तो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो 11:15 हो रहे हैं और मेरा सारा काम हो गया है। आज बृहस्पतिवार है लेकिन फास्ट नहीं है, बस ऐसे ही। और 11:15 हो रहे हैं, मैं ऊपर आ गई हूँ छत पे। मैंने कहा 12 बजे तक धूप सेक लेती हूँ 1 घंटा, क्योंकि काम तो हो गया। उसके बाद दाल छौंकूँगी, फिर हन्नू को लेने का टाइम है। चावल तो आके चढ़ाऊँगी और मॉर्निंग के सारे काम हो गए हैं। कपड़े तो आज धुलने नहीं थे, शायद इसलिए भी जल्दी हो गई, या फिर हो भी जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर धूप सेकती हूँ। और पिछले साल से याद होगा अगर आप लोगों को, पिछले साल से स्वेटर बुन रही थी, तो अब तो बुनाई भी भूल गई हूँ कि कौन सी बुनाई डालनी, कैसे डालनी है। तो 2 पल्ले आगे के आधे हो रखे, पूरे भी नहीं, आधे आधे हो रखे हैं। तो पीछे का पल बॉर्डर बुन लिया मैंने। देखती हूँ कैसी बुनाई है, क्या है, आगे देखती हूँ, थोड़ा दिमाग लगाती हूँ। तो चलो बाद में, कब ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, तो चलो बाद में मिलती हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं देखने लगी थी बुनाई अपनी कि कैसे कैसे, मैं पिछले साल डाली थी ना तो भूल गई, अभी देखूँगी क्योंकि मैंने YouTube से ही देखी थी। तो YouTube से देख के स्टार्ट करूँगी, याद तो है, बट यही फंदों का हेर फेर क्या फंदों का हेर फेर रहता है। तो पता है बहुत तेज़ धूप लगी, बहुत तेज़, 10-20 मिनट भी मैं बैठ नहीं पाई। उसके बाद मैं फिर नीचे चली गई थी, नीचे चेयर लगा के वहाँ बैठ गई थी मैं, मतलब सर छाया की तरफ और पाँव धूप की तरफ रख के। और इसके बाद मैं 12 बजे आ गई हूँ किचन में और खाना बनाने लगी हूँ। और क्योंकि फिर ये रहता है आजकल ना, इंडक्शन भी जैसे धीरे धीरे चलता है, क्योंकि आजकल ना इंडक्शन भी थोड़ा स्लो चलता है ना, तो फिर वो मतलब धीरे धीरे ही चलता है। शायद ठंड की वजह से उसे भी ठंड लग गई, मजाक कर रही हूँ, ठंड नहीं लग गई, वोल्टेज वगैरह शायद कम आती हो। और ये तो बस इसलिए तो ये होता है कि अगर जैसे देर में बनाओ, नहीं तो छोंकने का तो 10 मिनट का काम है, बट ये कि उबलने में टाइम लगता है। तो बस प्याज टमाटर मेरे कट गए हैं और रिफाइंड भी गर्म हो गया होगा। आप लोग सोचते होंगे इतनी जल्दी गर्म हो जाता है, इतनी जल्दी टमाटर भी गल जाते हैं, तो ऐसा नहीं होता। वीडियो स्पीड में भी रहती है और प्लस मतलब वीडियो कट कट करके करते हैं हम, मतलब जो भी जितने भी ब्लॉगर हैं। तो जब तेल गर्म हो जाता है फिर स्टार्ट करते हैं, फिर प्याज जब भुन जाता है तब टमाटर डालते हैं। जैसे यहाँ पे आपको लगा होगा कि एकदम से प्याज हो गया, एकदम से टमाटर, तो ऐसा नहीं है। वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं और कट कर देते हैं, तो इसलिए ऐसा लगता है कि एकदम से हो गया। तो टमाटर के बाद मैंने डाल दिया है नमक और इसे थोड़ी देर ढक दूँगी। ढकने के बाद और यहाँ पे मैं भिगा रही हूँ मसाले। वैसे मैं नॉर्मली ऐसे डाल देती हूँ, बट आज मैंने सोचा चलो भिगा के डालते, क्योंकि भिगा के भी बहुत सारे लोग डालते हैं ना, तो भिगा के बोलते टेस्ट अच्छा आता है। तो मसाले मैंने भिगा दिए हैं और आज वैसे भिगा के ना, जैसे जो घर में सिल में पीसते थे ना मसाले, सिलवट्टे में, उनका टेस्ट आता है। और वैसे तो हम पीसते हैं नहीं, हमारे तो वैसे भी मार्केट के ही रहते। तो बहुत सारे लोग तो घर में जैसे धनिया वगैरह भून के, हाँ मेरी सास करती है धनिया वगैरह भून के, फिर मैं मसाले पिसवाते हैं मतलब अपने। तो बस मसाले मैंने डाल दिए हैं और अब झटके से मसाले भी पक जाएंगे, वैसे ही कि मसाले भी पक गए हैं, मतलब वीडियो एडिट करके मसाले जल्दी पक गए हैं और मैंने डाल दिए। और दाल मैंने बनाई है मिक्स, जो होती है ना 5 दालें, मसूर, मलका, अरहर और काली दाल, ये सब मतलब मिक्स करके। तो आज मैंने मिक्स दाल बनाई है। बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या बनाए क्या बनाए, तो दाल वगैरह बना के हन्नू को लेके आ गई हूँ मैं। और मेरे की ड्रेस चेंज हो रही और पता क्या, उसने मुझे क्या बोला, मम्मी ऑन तो हुआ ही नहीं, फिर मैं इधर आ रही थी, देखा ऑन है, तो मस्ती करता है ये ऐसे ही मेरे साथ। कपड़े बदलते बदलते आप देखे लोगे कि कितने ड्रामे करता है, मतलब पहनाते हुए भी ऐसे ड्रामे और खुलते हुए भी ऐसे ड्रामे, ये देखो ऐसे फेंक रहा है शर्ट। तो बस यहाँ पर उसे तैयार कर दूँगी, उसके बाद मैं चढ़ा दूँगी चावल। और फिर ये खाता तो तभी है जब बोलता है नहीं, मैं बोलती हूँ खा लो, बोलता नहीं भैया आएंगे तभी खाऊंगा, 2 बजे आरव आता है तो उसके ही साथ खाता है, नहीं खाता है पहले। तो यहाँ पे कपड़े पहना दिए हैं और उसके बच्चों के कपड़े ना मैं हैंगर में रख देती हूँ, जैसे कोट वगैरह आजकल ब्लेज़र ना, तो हैंगर में रख देती हूँ। पैंट तो खैर रोज़ धुली जाती है, स्वेटर शर्ट और क्या बोलते हैं इसे ब्लेज़र, ये मैं हैंगर में रख देती हूँ, इससे एक एक की जगह रहते हैं, ढूंढने नहीं पड़ते हैं। तो बस इस ये सीधे अब मैं आपको मिल रही हूँ शाम को, रात को 7 बजे। अभी सब्ज़ी लेके आए, हरी सब्ज़ी वगैरह, और ये आप तार वगैरह देख रहे होंगे, तो ये मैंने रिंग लाइट लगाई, नहीं तो बिल्कुल भी उजाला नहीं रहता है यहाँ किचन में। तो ये मैंने रिंग लाइट लगाई है, उसका जुगाड़ कर रखा है, तार बाहर से लगा रखा है, इसलिए आपको ये लटका हुआ दिख रहा है। मैं भी अभी देख रही हूँ कि ये दिख रहा है, नहीं तो मैं तो सोच रही थी कि नहीं दिख रहा होगा। तो बस यहाँ पर मूली लाई थी, मूली की मतलब ये मूली के पत्तों की भुजी ना अच्छी लगती है मुझे। तो ये और अभी जैसे दाल रह रखी है दिन की, तो थोड़ा सब्ज़ी बना लेंगे ये मूली के पत्तों के, तो
ताज़ी ताज़ी अच्छी होती है। और हमारे यहाँ पे ना बिल्कुल मतलब खेत से उसी समय तोड़ के लाते हैं वो, मतलब बहुत बड़ा खेत है उनका और वहीं से उसी समय तोड़ के लाते हैं और उसी समय मतलब बेचते हैं ताज़े ताज़े ना, तो वहाँ से लेके आते हैं। और ये मूली तो मैंने धुल दी और इसके बाद मैंने लाई है पालक और सरसों साग बनाने के लिए। तो सब चीज़ धुल के रख दूँगी क्योंकि फिर वैसे इनमें मिट्टी वगैरह कुछ रहती क्योंकि वो धुल के ही देते हैं वहाँ पे ना, और वैसे घास वगैरह भी कुछ नहीं रहती। तो बस यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह मैंने धुल ली है, इसके बाद मैं मूली काट लूँगी क्योंकि मूली की सब्ज़ी बनानी है तो काट लूँगी इसे। और सही रहती है मूली की सब्ज़ी, पत्ते भी काम आ जाते हैं और क्योंकि अच्छे पत्ते रहते हैं हरे हरे इसलिए, नहीं तो कभी कभी वैसे बाद बाद में जब पीले पीले पत्ते मिलते हैं वो उनकी तो बनती नहीं, और ये ताज़े भी रहते हैं ना तो इनकी सब्ज़ी बन जाती। जैसे आप मार्केट जाओ मंडी वगैरह में वैसे तो वो तो बासी रहते हैं कब कब के, तो उनकी नहीं, ये ताज़े जैसे आज ही निकाले हैं तो आज ही हमने बना दिए तो फिर ठीक लगते हैं ज़्यादा, वैसे नहीं तो कड़वे कड़वे से लगते हैं। और तो यहाँ पे मूली कट गई है और कितनी स्पीड में लग रहा है बट ये स्पीड बढ़ा रखी है इसलिए। तो बस मूली को छोंक दूंगी मैं और छोंक में मैं डालूंगी वो जखिया और लादू, ये दिखा रही थी मैं आपको। ये लादू होता है ना बहुत अच्छी खुशबू आती है, अगर आपको कभी मिलेगा पहाड़ी एरिया में ही मिलेगा तो ज़रूर यूज़ करना, बहुत अच्छी खुशबू आती है, टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है इसका। तो बस हरी मिर्च और नमक डालती हूँ मैं सिर्फ वो हरी सब्ज़ी में, मसाले वगैरह मैं कुछ नहीं डालती, हल्दी वल्दी कुछ भी नहीं डालती हूँ। या लाल मिर्च हो तो लाल मिर्च डाल लो, लाल मिर्च बच्चे खाते नहीं तो हरी मिर्च डालती हूँ और नमक, और बहुत मतलब हरी सब्ज़ी का टेस्ट तभी आता है। तो बस यहाँ पे आटा भी गूंद के रख दूँगी मैं, और आटा गूंद के रख दूँगी और उसके बाद फिर अंदर जाऊँगी, फिर थोड़ी देर बाद रोटी बनाऊँगी आटा गूंदने के बाद। मतलब अभी बच्चे भी पढ़ रहे हैं ना, उन्हें भी दे रखा है होमवर्क, वैसे तो ये पढ़ा रहे हैं बट बीच बीच में मुझे भी देखना ही पड़ता है। तो बस यहाँ पे आटा गूंद के इकट्ठा करके फिर बाद में बनाती हूँ इसकी रोटियाँ। सो फ्रेंड रोटी मेरी बन गई है और अब काटूँगी मैं सुबह के लिए भिंडी, भिंडी काटूँगी और साग धुला हुआ है वो भी उबाल दूँगी अभी, मतलब खाना खाने के बाद वो उबाल दूँगी, फिर कल उसका साग बना लूँगी। मतलब उबाल के रख दो तो ठीक रहता है, या फिर क्योंकि फिर ना धुल दिया जैसे तो वो गल जाता है ना, पत्ते ख़राब होने लग जाते, तो इसलिए अभी उबाल के रख दूँगी। और बच्चों की डिमांड तो आ रही है कि सैंडविच चाहिए, क्या चाहिए, क्या सैंडविच पूछ रहे हैं। मैंने कहा कल सुबह क्या चाहिए, बोलो मेन्यू में क्या क्या है। मैंने कहा मेन्यू में तो डिमांड आ रही, ब्रेड पड़ी हुई है कि सैंडविच चाहिए, सैंडविच चाहिए, तो देखती हूँ सैंडविच बनाती हूँ। भिंडी तो कट करके रख दूँगी, ये तो शाम के ही काम आ जाएगी कल, और तो देखते हैं सैंडविच बनती क्या बनती है, देखते हैं सुबह ही देखी जाएगी वो सब, अभी तो इतना काम कर दूँगी। तो चलो इसी के साथ वीडियो का भी एंड करती हूँ, वीडियो अच्छा लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।